हे एवरीवन, हाउ यू ऑल। सो कैसे हो आप लोग। सो जिस बुक की हम बात कर रहे हैं उस बुक का नाम है अगली लव, और ये बुक लिखी है कोलिन होवर ने। सो लास्ट वीडियो हमने देखी थी वीडियो नंबर 9.1। अब यहाँ से शुरुआत होती है वीडियो नंबर 9.2 की, और ये उसी चैप्टर का कंटिन्यूशन है क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा था। तो इस चैप्टर की मैंने दो वीडियोज़ बना दी है। सो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, आपसे रिक्वेस्ट है, आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप चाहो तो हमें मॉनेटरी सपोर्ट भी कर सकते हो। आप जो ये स्क्रीन पे क्यूआर कोड देख रहे हो, आप इसको स्कैन करके हमें मॉनेटरी सपोर्ट कर सकते हो ताकि हम चैनल को और ज़्यादा ग्रो कर सकें। अब थैंक्स गिविंग डिनर करने के बाद ना, ये लोग अपने अपने कमरे में जाके लेट चुके थे। अब जो टेट होती है ना, वो अपने बेडरूम में होती है, आराम से लाइट बंद करके अपने बिस्तर में लेटी हुई होती है, और उसको समझ नहीं आता कि आज हुआ क्या, क्योंकि डिनर के बाद से टेट और माइल्स से ना एक दूसरे से बात ही नहीं करी थी। इन दोनों ने 10 मिनट एक साथ बिताए थे जब टेट उसकी ना ड्रेसिंग कर रही थी दोबारा से लिविंग रूम में, लेकिन जो माइल्स था ना उसने कुछ भी नहीं बोला। उन लोगों की लेग्स भी टच नहीं हुई ना, उसने माइल्स ने उसके फिंगर से छुआ और तो उसको देखा भी नहीं। जो माइल्स था ना, बस उसका ध्यान, सारा ध्यान अपने हाथ पे ही था, और उसको ऐसा लगा था ना टेट को कि भाई अगर ये ज़्यादा सा भी ध्यान यहाँ वहाँ भटकाएगा ना तो उसका हाथ कोई काट के ले जाएगा। अब जो टेट थी ना, उसको समझ नहीं आता कि वो माइल्स के बारे में सोचे या उस किस के बारे में। कहीं ना कहीं जो माइल्स है ना, वो भी अट्रैक्टेड है, अगर अट्रैक्टेड नहीं होता तो उसको किस नहीं करता। लेकिन ये चीज़ ना उसके लिए इनफ थी कि भाई उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मुझे लाइक करता भी है या नहीं करता, बस इतनी चीज़ काफ़ी है कि भाई वो मेरी तरफ अट्रैक्टेड है, और लाइकिंग तो चलो बाद में भी आ सकती है। अब जो टेट है ना, वो अपनी आंखें बंद करती है, कुछ सोने की बहुत कोशिश कर रही होती है, वो 5वीं बार ट्राई करती है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। वो क्या करती है ना, साइड वाले करवट पे लेट के ना आराम से जो दरवाज़ा होता है उसकी तरफ देख रही होती है। इतने में क्या होता है ना, एक परछाई होती है, वो दरवाजे के पास आती है ना और वो वहाँ से चली जाती है। अब जो टेट है ना, वो देख रही होती है किसकी परछाई है। उसके ना कहीं मन में ख्याल आता है कि हो सकता है शायद माइल्स हो, और क्योंकि अभी वो उसके बारे में सोच रही है, भले ही वो कोई और भी हो लेकिन उसको माइल्स का ही ख्याल आया। वो ना फटाफट बिस्तर से उठ जाती है, और उसके मन में ख्याल आता है ना जाने से पहले ना एक बार ब्रश कर लेती हूँ, लेकिन उसको याद आता है कि अरे मैंने अभी तो 20 मिनट पहले ही ब्रश करा है। वो अपने ना बालों को देखती है शीशे में, बेडरूम का दरवाज़ा खोलती है, और जैसे ही ना चुपचाप बिल्कुल किचन में पहुँचती है, वो देखती है ना जो माइल्स है वो वहाँ पे खड़ा हुआ होता है, और वो ना आराम से बार होता है ना वहाँ पे उसकी तरफ देख रहा होता है, और जैसे वो उम्मीद कर रहा हो कि भाई टेट आएगी। अब जो टेट है ना, वो मन में सोचती है हे भगवान, ये चीज़ मुझे बड़ी बेकार लगती है। अब जो टेट है ना, वो ऐसा प्रटेंड करती है ना कि भाई अरे मैं तो सो रही थी, अचानक से मैं आई कुछ पानी पीने किचन में और मैंने तुम्हें देख लिया। अब जो टेट है ना, वो कहती है मैं ना सो नहीं पा रही थी, और फ्रिज की तरफ जाती है, फ्रिज में से ना ऑरेंज जूस निकालती है, ग्लास में डालती है, और आराम से जो काउंटर होता है ना उसके पास आके टिक के खड़ी हो जाती है, और जो माइल्स होता है ना उसको देख रहा होता है, और उसका ना उसके क्वेश्चन का जवाब ही नहीं देता। अब जो टेट है उसे दोबारा से पूछती है क्या तुम नींद में चलते हो क्या। अब जो माइल्स है ना, वो स्माइल करने लगता है, उसको देखता है और कहता है ना तुम्हें लगता है ऑरेंज जूस बहुत पसंद है। और जो माइल्स है ना, थोड़ा ग्लास की तरफ इशारा करता है कि भाई मुझे दे दो, मैं भी पीता हूँ। अब जो टेट है उसको ऑरेंज जूस दे देती है, माइल्स हल्का सा जूस पीता है, वापस उसको दे देता है, और जिस तरीके के ये मूव्स होते हैं ना, ये चीज़ टेट को तो बहुत अच्छी लगती है, वो एक दूसरे को ना देख रहे होते हैं। अब जो टेट है ना, वो मन में सोचती है वैसे तो मुझे ऑरेंज जूस पसंद नहीं है, लेकिन अब मुझे ऑरेंज जूस बहुत पसंद है। अब जो माइल्स है ना, वो कहता है मुझे भी ऑरेंज जूस बहुत पसंद है। अब टेट क्या करती है ना, जो जूस होता है उसको रखती है वहाँ पे काउंटर पे, और थोड़ा ना पुश करके काउंटर पे बैठ जाती है आराम से, और उसको लगता है ना कि जो माइल्स है ना हर जगह है, किचन में, पूरे घर में, और पूरे ना एकदम शांति होती है। अब जो टेट है ना, वो डिसाइड करती है कि वो पहला मूव लेगी। वो कहती है ना पिछले 6 साल से तुम्हारी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। अब जो माइल्स है ना, वो कहता है नहीं, वो बिल्कुल एकदम मना कर देता है सीधे। अब टेट मन में सोचती है कि क्या रीज़न होगा कि इसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। अब जो टेट है ना, वो पूछती है उससे वाओ क्या तुमने एटलीस्ट, अब ये बोलने ही जा रही होती है ना, जो माइल्स होता है वो बोल देता है सेक्स किया है। अब इनकी पूरी किचन में ना सिर्फ जो स्टोव होता है, गैस स्टोव, सिर्फ उसकी हल्की लाइट जल रही होती है। अब कहीं ना कहीं जो टेट थी ना, वो ब्लश कर रही थी। अब जो माइल्स है ना, वो कहता है सब लोगों को ना ज़िंदगी से एक ही चीज़ नहीं चाहिए होती है, और जो उसकी आवाज़ होती है ना वो बहुत ज़्यादा कम्फर्टिंग होती है, उसको ऐसा लगता है ना कितनी प्यारी आवाज़ है इसकी। अब जो टेट है ना, वो कहती है सबको प्यार चाहिए होता है, एटलीस्ट सेक्स तो सबको चाहिए ही चाहिए, ये तो ह्यूमन नेचर है। अब टेट को ना समझ नहीं आता कि एक्चुअली में हम लोग ये कन्वर्सेशन कर रहे हैं। अब जो माइल्स होता है ना, आराम से हाथ फोल्ड करके खड़ा हो जाता है, पैरों को थोड़ा सा क्रॉस लेग खड़ा होता है, और ना ऐसे आराम से खड़े होकर उससे बात कर रहा होता है। कहता है ना ज़्यादातर लोगों को एक चीज़ नहीं मिलती दूसरे के बिना, सो मुझे ऐसा लगता है ना कि इससे अच्छा दोनों ही चीज़ें छोड़ दो। अब जो टेट होती है ना, वो भी पूरी कोशिश करती है कि वो हंसे। अब जो टेट है ना, उससे पूछती है कि तुम्हें इन दोनों में से क्या नहीं चाहिए, माइल्स, प्यार या सेक्स। अब जो माइल्स होता है ना, वो उसको देख रहा होता है, हल्का सा स्माइल करता है, कहता है ना तुम जानती हो मेरा आंसर क्या है टेट। और जो टेट होती है ना, उसको लगता है वाह यार, वो ना थोड़ी गहरी सांसें ले रही होती है, उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि भाई जिस तरीके से उसने किस करी थी, जिस तरीके से उसने उसका नाम लिया ना, ये चीज़ तो उसको बहुत अच्छी लगती है। अब टेट क्या करती है ना, जो अपने पैर होते हैं उसको भी क्रॉस लेग कर लेती है। अब जो माइल्स है ना, वो उसको ऊपर से नीचे तक देखता है, और टेट को मन में ही लगता है ना 6 साल, और फिर वो ना अपने पैरों को देखती है, फिर उसकी तरफ देखती है, और कहती है ना फिर तुम्हें कितना टाइम हो गया, तुमने किसी लड़की को किस नहीं करा। अब जो माइल्स होता है ना, कहता है 8 घंटे। अब जो टेट है ना, उसकी तरफ ऐसे देखती है, मतलब क्या कुछ भी। अब जो माइल्स है ना, वो कहता है मतलब सेम 6 साल। अब जब टेट ये सुनती है ना, तो कुछ तो बदलता है, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ है जो टेट को बहुत ज़्यादा फील हो रही थी,
कुछ ठंडा, कुछ गर्म, कुछ ऐसी चीज थी ना जो समझ नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है, कि इस किसका मतलब बहुत कुछ था। अब जो टेट है ना वो चुपचाप वहाँ बैठी हुई होती है। अब टेट उससे कहती है, तुम उससे मजाक कर रहे हो। अब जो माइल्स है ना वो थोड़ा सा ब्लश करता है। अब टेट ना बड़ी कन्फ्यूज होती है क्योंकि उसको समझ नहीं आता कि मतलब ये ऐसा हो भी कैसे सकता है, ये इतना अच्छा है, इसके पास नौकरी है और इसको पता भी है इसको किस कैसे करते हैं, तब भी आज तक इसने मतलब 6 साल से कभी किसी को किस नहीं करा। अब जो टेट है ना वो पूछ लेती है कि मतलब तो बात क्या है, तुम्हें STD है? अब ये ना टेट के अंदर की नर्स बोल रही होती है। अब जो माइल्स है ना वो हंसता है, कहता है नहीं, मैं बिल्कुल साफ सुथरा हूँ, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब टेट कहती है ना, 6 साल हो गए तुमने किसी का भी लड़की को किस नहीं करा, तो तुमने किस क्यों नहीं करा? और जिस तरीके से तुम बिहेव करते हो ना, मुझे ऐसा लगता था कि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो, तुम्हें ना पढ़ पाना बड़ा मुश्किल है। अब जो माइल्स होता है ना वो टेट से ये नहीं पूछता कि भाई तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन ये चीज़ ऑब्वियस थी। जब भी ये दोनों एक दूसरे के पास होते थे ना तो ये लोग बिल्कुल ही अलग से हो जाते थे। अब जो माइल्स है ना वो कहता है, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ टेट। और अपना हाथ अपनी जेब में से निकाल के अपने बालों को सजाता है, गर्दन पे रखता है, फिर कहता है ना, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, मैं किसी को भी पसंद नहीं करता हूँ, मैं किसी को भी डेट नहीं करना चाहता हूँ, मैं किसी को भी प्यार नहीं करना चाहता हूँ, मैं बस, अब ये कहता है ना, अपना हाथ अपनी कमर पर रख लेता है। अब जो टेट है ना वो कहती है, तुम क्या? अब जो माइल्स है ना उसकी तरफ देखता है और कहीं ना टेट जानना चाहते कि एक्चुअली में बात क्या है। वो ना उसको बहुत ऐसे घूर के देख रहा होता है जैसे कि भाई ये लोग थैंक्स गिविंग के डिनर में बैठे हो। अब जो माइल्स है ना वो कहता है, मैं तुम्हारी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हूँ टेट। और माइल्स कहता है ना, मैं बस तुम्हें चाहता हूँ बिना किसी और अदर चीज़ों के। अब जो टेट होती है ना उसको समझ नहीं आता कि ये है क्या। जो टेट का दिमाग होता है वो तो बन चुका है लिक्विड, जो उसका दिल है ना वो बन चुका है बटर, और उसको ना समझ नहीं आता कि वो बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या। और ना वहाँ पर बस चुपचाप वही बैठ के वो सोच रही होती है कि भाई एटलीस्ट माइल्स ने ये एडमिट तो कर लिया कि वो मेरे साथ सेक्स करना चाहता है, लेकिन वो कोई और चीज़ नहीं चाहता है। और कहीं ना ये सुनने के बाद टेट को गुस्सा आना चाहिए, उसको ऐसा लगता है मुझे गुस्सा आना चाहिए, मुझे इसको पंच करना चाहिए। और टेट को ना ये बात पता थी कि इसने काफ़ी टाइम से किसी लड़की को किस नहीं करा, और पिछले 6 साल बाद इसने जब किस करा तो भाई एटलीस्ट ने सच बोला है। उसको ये लगता है ना कि भाई मैं तो एक अवार्ड जीत गई, पुलिट्जर अवार्ड। और उन्होंने एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं। और टेट को मन में ये लगता है ना कि शायद माइल्स को लग रहा हो कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सच कहूँ तो मैं इस पर चिल्लाना चाहती हूँ कि मैं जीत गई कस के। अब जो टेट है ना उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो बोले क्या, क्योंकि वो ना सिचुएशन बड़ी ऑकवर्ड हो गई थी इन दोनों के लिए। अब जो टेट है ना वो कहती है, हमारी जो कन्वर्सेशन है ना वो बहुत अजीब होती है। अब जो माइल्स है ना वो हंसने लगता है, कहता है हाँ। अब जो टेट है ना जब उसके मुँह से हाँ सुनती है तो उसको ऐसा लगता है कितना प्यारा वर्ड है। अब ना उसको कुछ समझ नहीं आता कि भाई क्या बोलूँ मैं, इसकी जो आवाज़ इतनी प्यारी है। अब टेट ना उससे कहती है कि भाई एक काम करो, तुम ये वर्ड बोलो, ऑक्स। अब जो माइल्स है ना उसकी तरफ देखता है, मतलब क्यों? अब जो टेट है ना वो कहती है, बोलो तो। अब जो माइल्स है ना वो कहता है ऑक्स। अब ना टेट को मन में लगता है, हाय, अब तो जो मेरा सबसे फेवरेट वर्ड है ना वो है ऑक्स। अब जो माइल्स है ना कहता है, तुम बहुत अजीब हो यार। अब टेट क्या करती है ना, अपने थोड़े से पैर खोल लेती है, ये चीज़ माइल्स नोटिस करता है। फिर टेट कहती है ना, तो माइल्स अब मैं चीज़ों को स्ट्रेट करती हूँ, है ना, तुमने पिछले 6 साल से किसी के भी साथ सेक्स नहीं करा है, तुम्हारी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी पिछले 6 साल से, तुमने कभी किसी लड़की को किस नहीं करा पिछले आज 8 घंटों से, तुम कोई रिलेशनशिप नहीं चाहते हो, ना ही प्यार, और तुम एक लड़के हो, लड़कों की ज़रूरत होती है। अब वो ना उसको देख रहा होता है, कहता है हाँ, आगे। अब टेट कहती है ना, तो मेरी तरफ अट्रैक्टेड भी नहीं हो लेकिन तब भी तुम मुझे चाहते हो, तुम मेरे साथ सेक्स करना चाहते हो लेकिन तुम मुझे डेट नहीं करना चाहते हो, तुम ये भी चाहते हो कि मैं तुम्हें प्यार ना करूं, और तुम ये भी चाहते हो कि तुम भी मुझे प्यार ना करो। अब जो माइल्स है ना वो स्माइल करता है, कहता है मुझे नहीं पता था कि मैं चीज़ों को इतने अच्छे से बोल पाता हूँ, ट्रांसपेरेंट हूँ। अब जो टेट है ना मन में सोचती है, तुम माइल्स हो, यकीन मानो। अब टेट कहती है ना, अगर हम लोग ये करेंगे तो हम लोग ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्लो लेके चलेंगे, मैं तुम पर किसी भी चीज़ का ना प्रेशर नहीं डालना चाहती हूँ जो कि चीज़ के लिए तुम तैयार नहीं हो, और प्रैक्टिकली कहूँ ना तो तुम एक वर्जन हो अभी तक। अब जो माइल्स होता है ना एकदम से उसकी स्माइल गायब हो जाती है, वो 3 कदम उसके पास आगे लेता है, और ना जो टेट होती है वो तो बैठी हुई होती है काउंटर पे, वो एक हाथ टेट के इस तरफ और एक हाथ दूसरी तरफ लगता है और उसने उसकी गर्दन के बहुत पास आ जाता है, कहता है 6 साल हो गए हैं टेट, यकीन मानो जब मैं तुमसे कहता हूँ मैं तैयार हूँ। अब टेट के दिमाग में ये लगता है ना, ये मेरे अगले फेवरेट शब्द हो गए, बिलीव मी व्हेन आई टेल यू, उसको ना यही सब उसके जो शब्द उसने बोले होते हैं ना माइल्स ने, ये चीज़ टेट को तो बहुत अच्छी लग रही होती है। अब जो माइल्स होता है ना वो थोड़ा सा पीछे उसके सामने आके खड़ा हो जाता है पहले की तरह, और टेट की ना बहुत तेज तेज सांसें चल रही होती है। अब जो माइल्स होता है ना वो कहता है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं तुमसे सेक्स के लिए पूछ रहा हूँ, किस तरीके का लड़का हूँ यार मैं। अब जो टेट होती है ना कहती है, सब लोग ऐसे ही होते हैं। अब जो माइल्स है ना वो थोड़ा सा हंसता है, और टेट को ये चीज़ साफ पता चल रही थी, जो माइल्स है ना वो थोड़ा सा गिल्टी फील कर रहा है, और शायद हो सकता है जो माइल्स है ना वो ये डर रहा हो कि भाई मैं ये चीज़ें मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी, और हो सकता है वो सही भी हो, क्योंकि अगर ये मुझे बताता नहीं है तो मुझे पता नहीं चलता, और इसको ऐसा क्यों लगता है कि मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी, और अगर मैं इन चीज़ों को मना कर देती हूँ ना तो भाई जो किस मैंने पहले एक्सपीरियंस करी थी ना वो किस मुझे दोबारा से नहीं मिलेगी। अब जो टेट है ना वो सोचती है, अगर मैं इन सब चीज़ों के लिए हाँ कहूँगी ना तो मुझे दोबारा से किस करने का मौका मिलेगा, और दोबारा से मैं वही एक्सपीरियंस फील कर पाऊंगी उस किस का। अब टेट क्या करती है ना, ग्लास उठाती है जूस का, एक सिप लेती है ग्लास का, और टेट को मन में लगता है ना कि ये मेरे साथ सेक्स करना चाहता है, और सेक्स तो मैं भी बड़ा ज़्यादा मिस करती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया,
मैंने भी सेक्स नहीं करा और मैं भी ना कहीं इसकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हूँ और मैं किसी ऐसे को जानती भी नहीं हूँ, ना मेरा कोई बॉयफ्रेंड है जिसके साथ मैं सेक्स कर सकूँ। इससे अच्छा तो यही है कि भाई किसी ऐसे बंदे के साथ सेक्स कर जो एयरलाइन में पायलट हो, जो लॉन्ड्री फोल्डिंग करता हो मेरे बगल में ही। अब वो क्या करती है, जूस पीने के बाद वापस कप रख देती है काउंटर पर और ना थोड़ा सा आगे झुकती है, बैठे बैठे कहती है ना, मेरी बात सुनो माइल्स, तुम सिंगल हो मैं सिंगल हूँ, तुम बहुत ज़्यादा काम करते हो, मैं अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ। अगर हम लोग रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे भी ना तो कभी चीज़ें वर्क नहीं करेंगी, हम लोग कभी एक दूसरे की लाइफ में फिट नहीं हो सकते, तुम मेरे कभी दोस्त भी नहीं हो, तो तुम्हें कोई फ्रेंडशिप ख़राब करने की तो चिंता होनी नहीं चाहिए, तुम बस सेक्स चाहते हो मुझसे और मैं चीज़ से ओके हूँ कम्प्लीटली, बहुत सारा। अब जो माइल्स होता है ना उसको देखता है और वो कहता है बहुत सारा। अब जो टेट होती है ना कहती है हाँ बहुत सारा। अब जो माइल्स होता है ना कहीं कहीं ऐसे देखता है कि भाई ये चैलेंज तो मुझे एक्सेप्ट है, माइल्स कहता है ना ओके, अब टेट कहती है ना ओके। अब लोग ना दोनों एक दूसरे के दूर होते हैं और टेट को मन में ही लगता है ना मैंने एक लड़की को बोल दिया कि भाई मैं सेक्स करना चाहती हूँ बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, ये तो खुला सांड हो जाएगा और हम लोग ना बहुत सारा सेक्स करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं वो दोनों ही नर्वस होते हैं, माइल्स भी और टेट भी, लेकिन भाई जो सेक्स होता है, जो एक दूसरे के प्रति इनका आकर्षण होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। अब जो टेट है ना वो सोचती है मैं तो बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, ये भी नर्वस तो है ही इस वक्त, लेकिन जो सेक्स करने की पॉसिबिलिटी है ना वो चीज़ तो सब कुछ भुला ही देती है। और जो चीज़ टेट सोच पा रही थी ना वो ये था कि भाई जो सेक्स है उनकी सारी प्रॉब्लम खत्म कर देगा, लेकिन जो सेक्स ऐसे वही नहीं होगा, इवेंचुअली बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी। अब जो माइल्स है ना वो कहता है वेल मैं सेक्स तुम्हारे साथ अभी नहीं कर सकता। अब टेट कहती है क्यों? अब माइल्स कहता है ना जो मेरे पास कॉन्डम था ना मेरे पर्स में वो तो कब का डिस्पोज हो गया, डिसइंटीग्रेटेड हो गया। अब जो टेट है ना ये सुन के हंसने लगती है। अब जो माइल्स है ना वो कहता है मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ लेकिन दोबारा से। अब जो टेट है ना वो कहती है हाँ श्योर। अब जो माइल्स है ना उसके पास थोड़ा सा आगे बढ़ता है जहाँ वो बैठी होती है, उसके पास में आके ना उसकी कमर में हाथ लगाता है, उसकी आंखों में देखता है और उन्हें उसको बहुत अच्छे से देख रहा होता है और वो ना क्या करता है अपना हाथ उसके पीछे बालों के पीछे लेके आता है ना कस के उसको किस करना स्टार्ट कर देता है। और किस करने से पहले ना वो उसको बोलता है कि तुम मुझे ना सांस लेना भी बड़ा मुश्किल कर देती हो और बहुत पैशनेटली एक दूसरे को लोग किस कर रहे होते हैं। जो टेट होती है ना वो अपना थोड़ा सा सर टेढ़ा कर लेती है ताकि ना उसको बहुत अच्छे से उसके होंठों को उसकी जीभ को फील कर पाए और जो माइल्स होता है ना वो भी उसको बहुत पैशनेटली किस कर रहा होता है। और टेट को ना ये चीज़ तो पता चल चुकी थी कि भाई जो उसकी जीभ है ना वो अभी तक किस करना भूली नहीं है और उसको ना मन में बस एक ही चीज़ लग रहा था, ओ माय गॉड ये तो मुझे बहुत पसंद आ रहा है। अब जो टेट होती है ना वो क्या करती है अपना हाथ उसके बालों से ले जाके उसकी पीठ पे, उसके हाथों पे, उसके कंधों पे, उसकी ना पूरी बॉडी को फील कर रही होती है और ना हल्के हल्के ऊ आ की आवाज़ उसके मुंह से भी निकल रही होती है। अब इतने में क्या होता है ना पीछे से आवाज़ आती है कि वेल तुम गे नहीं हो। अब जब टेट और माइल्स देखते हैं ना तो वो होते हैं उसके पापा। अब वो दोनों ना झट से अलग होते हैं, जो माइल्स होता है ना वो तो अपना हाथ अपने चेहरे पे रख लेता है, जो टेट होती है ना अपना हाथ अपने मुंह पे रख लेती है, तुरंत वहाँ से कूद पड़ती है। जो उसके पापा होते हैं ना वो फ्रिज का दरवाज़ा खोलते हैं, पानी की बॉटल निकालते हैं, अपनी बेटी की तरफ देखते हैं। अब टेट को ऐसा लगता है ना मेरे पापा को ऐसा लग रहा हो कि जो भी हमारे घर में मेहमान आता है ना वो हर रात मुझे ऐसी पकड़ते होंगे, वो उनकी तरफ देखते हैं, थोड़ा सा पानी पीते हैं, वापस बॉटल फ्रिज में डालते हैं और फिर वहाँ से ना दरवाज़ा और फ्रिज का दरवाज़ा बंद करके ना उन दोनों के बीच से चले जाते हैं, कहते हैं ना तुम्हें सोने जाना चाहिए टेट, और किचन से निकल जाते हैं। अब जो टेट होती है ना वो चुपचाप वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, जो माइल्स है ना उससे कहता है कि हमें सोना चाहिए। अब जब लोग किचन से वहाँ से जा रहे होते हैं ना बिना एक दूसरे को छुए, वो बेडरूम के बाहर ना अपने अपने बेडरूम के बाहर आके रुक जाते हैं। जो माइल्स होता है ना वो अपने बेडरूम के बाहर होता है, जो टेट होता है ना वो अपने बेडरूम के बाहर होती है। अब जो माइल्स होता है ना वो आसपास देखता है कि कोई है तो नहीं। अब माइल्स क्या करता है ना फटाफट आता है और दोबारा से ना हल्का सा किस कर लेता है टेट को। अब जो माइल्स है ना वो कहता है तुम्हें लगता है ये सब कुछ ठीक है? अब टेट मन में सोचती है ना मुझे नहीं पता ये सब कुछ ठीक है या नहीं है, लेकिन मुझे किस वो चीज़ बहुत अच्छी लगी, तुम्हें टेस्ट करना, मैं कुछ और सोच ही नहीं रखती। लेकिन कहीं ना कहीं ना टेट के मन में ये ख्याल आता है कि पिछले 6 साल से इसने कभी भी किसी के साथ रिलेशनशिप में ये क्यों नहीं आया। अब जो टेट है ना वो कहती है तुम बहुत ज़्यादा चिंता करते हो और अगर अच्छा रहेगा हम लोग रूल सेट कर लें। अब जो माइल्स होता है ना थोड़ा सा पीछे होता है, कहता है हाँ ये ठीक रहेगा, मैं बस अभी 2 ही रूल्स के बारे में सोच पा रहा हूँ। अब जो टेट होती है ना कहती है क्या? अब जो माइल्स होता है ना वो उसकी तरफ देखता है, कहता है ना कभी पास्ट के बारे में पूछना मत और कभी फ्यूचर को एक्सपेक्ट मत करना। अब जो टेट होती है ना उसको वैसे तो ये दोनों ही रूल्स पसंद नहीं आते, लेकिन कहीं ना कहीं ना उसको ये लगता है कि चलो ठीक है जैसा भी है, हम लोग बाद में देखेंगे कि हमें क्या करना है, चीज़ें बाद में बदल भी सकती हैं। अब टेट कहती है ना मेरे पास सिर्फ एक ही रूल है। अब जो माइल्स होता है ना कहता है क्या? अब टेट कहती है ना वेल अभी तो मुझे वो रूल याद नहीं है, लेकिन हाँ जैसी वो रूल मैं बताऊंगी ना तुम्हें वो चीज़ तुम्हें फॉलो करनी पड़ेगी। अब जो माइल्स है ना वो हंसता है और जाने से पहले ना उसके माथे पे किस करता है और वो लोग ना एक दूसरे के दरवाजे के बाहर खड़े होते हैं। जो माइल्स होता है ना वो जाने से पहले ना उसको कस के घूर के देख रहा होता है और वो अंदर चला जाता है। अब जो टेट होती है ना उसको ये लगता है ना कि जिस तरीके से मुझे घूर के देख रहा है कहीं ना इसके मन में बहुत ज़्यादा डर है और ये डर ये था कि भाई कहीं ना कहीं एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा जब इन दोनों को ये सारी चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेंगी और उस वक्त पे ना हमें बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो इस नोट पे होती है ये वीडियो खत्म एंड आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। सो थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।